डाली डाली फूलों की, तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हेलो दोस्तों, जय बद्री विशाल, आप लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त रहें। और कविता बिस्ट ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। और मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है देवभूमि उत्तराखंड के जोशीमठ शहर से। तो दोस्तों, जैसे आप लोगों को पता ही है, आजकल मैं जोशीमठ में हूँ, तो इसलिए मैं आपको जोशीमठ के ही ब्लॉग दिखा पाऊंगी। और जोशीमठ में आज इतनी ठंड हो रही है, इतनी ठंड हो रही है, आप देख सकते हैं। नहा तो गई हूँ मैं, लेकिन ठंडा इतना है कि मेरे पीछे हीटर लगा हुआ है। बिना हीटर के यहाँ काम नहीं चल रहा है। अगर हीटर लेके भी हम बैठे हुए हैं तो आगे से तो गर्म है, लेकिन पीछे साइड ऐसा लग रहा है कि किसी ने हमारे ऊपर पानी गिरा दिया होगा, इतना ठंडा है। और जो कपड़े तय करके रखे हुए हैं उन पे हाथ लगाओ तो वो भी ऐसे लग रहे हैं कि गीले होंगे। तो लगा लो जोशीमठ में कितनी ठंड होती होगी और कितना ठंडा यहाँ पर है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को, जोशीमठ आई हूँ तो सबसे पहले अपने घर से करवाऊँगी नरसिंह भगवान के दर्शन और थोड़ा बहुत हाथी पहाड़, खूबसूरत जोशीमठ का नज़ारा और जो कुछ दिन में होता है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो दोस्तों, आप लोग ब्लॉग में यूँ ही बने रहना। तो ये देख लीजिए मेरी बालकनी से नरसिंह भगवान, ये देखिए, बोलो नरसिंह भगवान की जय। ये है मेरी बालकनी से खूबसूरत नज़ारा नरसिंह भगवान का, और पूरा मंदिर इस तरीके से मेरी बालकनी से दिखाई देता है, ये देखिए। और डेली हम यहीं से नरसिंह भगवान के दर्शन कर लेते हैं सुबह शाम। और यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ जोशीमठ का सुंदर सा नज़ारा, ये देखिए। यहाँ से तो इतना ही दिखेगा, ये है जोशीमठ का नज़ारा। और आजकल पहाड़ भी देखिए कैसे रूखे सूखे हो रखे हैं, हरियाली ज़्यादा नहीं है, कुछ कुछ हरियाली दिखाई दे रही है। और ये है नरसिंह भगवान जी। नहाने धोने के बाद हम लोग भी कर लेते हैं अपने घर की पूजा, थोड़ा भगवान जी को कर लेते हैं प्रणाम। और यहाँ चल के मैं आपको दिखाऊंगी अपना छोटा सा पूजा घर, जो कि मेरा ये जोशीमठ का पूजा घर है। चलती हूँ मैं आपको पहले पूजा घर में। और पूजा घर का दरवाज़ा देखो, मेरे गणपति जी से बने हुए हैं दरवाजे पे, ये देख सकते हैं आप। और ये है मेरे जोशीमठ का पूजा घर। जय हो भगवान जी प्रभु। ये देखिए, यहाँ पे हम बहुत कम रहते हैं, तो पूजा पाठ जब मैं आती हूँ सफाई वगैरह तभी मैं यहाँ पे करती हूँ, अभी तो हुई नहीं है। और आज मैं पूजा घर की सफाई करने वाली हूँ। ये देखिए भगवान प्रभु। और यहाँ पे भी मेरे लड्डू गोपाल हैं छोटे से, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है मेरे लड्डू गोपाल और एक लड्डू गोपाल और है इसमें, देखिए। ये हैं छोटे से लड्डू गोपाल, और ये लड्डू गोपाल मेरे पास तब से हैं जब मैं छोटी थी, और मुझे ये लड्डू गोपाल प्रसाद में मिले थे। मैं अपने दोस्त लोगों को हमेशा बताती हूँ कि लड्डू गोपाल मेरे पास कैसे आए थे। ये हैं लड्डू गोपाल छोटे से, जो कि प्रसाद में मुझे मिले थे। तो तब से ये लड्डू गोपाल, शायद मैं उस समय 8th 9th में पढ़ती होंगी, तब ये लड्डू गोपाल मेरे पास आ गए थे, और तब से मेरे पास ही लड्डू गोपाल हैं। और आप देख सकते हैं छोटे से लड्डू गोपाल, और तब से मैं लड्डू गोपाल की भक्ति करती हूँ, लड्डू गोपाल को मानती हूँ, लड्डू गोपाल की पूजा करती हूँ। और घर पे लड्डू गोपाल के जन्माष्टमी में उनका जन्मदिन मनाती हूँ। और ये है वो लड्डू गोपाल, बोलो लड्डू गोपाल की जय। बिल्कुल छोटे से हैं ये देखिए, और दूसरे वाले लड्डू गोपाल ये हैं। और इनकी भी यहाँ पे कम ही पूजा होती है मेरे देहरादून जाने के बाद, तो मैंने इस बार सोचा है कि मैं ये लड्डू गोपाल चुमाली को दे दूंगी। चुमाली को मैंने कहा था मैं तुझे लड्डू गोपाल लेके आऊंगी, और चुमाली ही लड्डू गोपाल की पूजा करेगी। हे भगवान प्रभु। तो दोस्तों, मैंने पूजा घर भी आपको दिखा लिया, और थोड़ा देर में कर लेती हूँ मैं पूजा घर की सफाई वगैरह। तो उससे पहले मैं आप लोगों को मिलाऊंगी आज अपनी जोशीमठ की फ्रेंडों से, क्योंकि मनोरमा भी आ चुकी है, और कला के यहाँ तो मैं अभी नाश्ता करने जा रही हूँ, तो कला को भी मैं आपको दिखाऊंगी। और हम लोगों की दोस्त रिश्तेदारी या फ्रेंड इतना अच्छा है, इतना अच्छा है। मुझे देहरादून शिफ्ट हुए 8-9 साल हो गए, 8-9 सालों में मैंने आज तक अपने घर में एक घूंट चाय नहीं बनाई है, क्योंकि
कोई बनाने ही नहीं देता है। तो चलते हैं अभी कला के यहाँ नाश्ता करने। तो मायका भी यहीं पे होने के कारण कभी मायके में चले जाते हैं और कभी फ्रेंडों के यहाँ, बहनें भी यहीं हैं, तो हम लोगों का ऐसा ही चलता रहता है। तो जैसा भी होता है मैं वो आप लोगों को दिखाती हूँ, आप लोग ब्लॉग में यूं ही बने रहना। ये देखिए कितना गुस्सा कर रही है हम पे, ये है कला। और कैमरे के सामने अच्छी बन रही है पता, नहीं तो ये हमको गाली देने वाली थी। और नाश्ता बन चुका है कला का, बन गया नाश्ता, कोदे की रोटी, हाँ घर वाली डिश बनाई है। आहा रे, मीठे करेले, ककोड़े की सब्जी, हाँ और ये है कोदे की रोटी। और कला को वाला बोल आहा, ना आहा तो नहीं बोलती, बोल तो क्या बोलती तुम तो? अमिता लोग याद कर रहे होंगे तो हमेशा बोलते वो वहाँ क्या आहरे। कला को जब कोई चीज अच्छी लगती है तो तब कला करती है आहरे। ये देखिए हमारी चाय लाल लाल है और मनोरमा कल कला अपनी चाय दिखा, और कला की चाय, मैं झूठ बोल रही तो ये देखो आप लोगों भी देखो कला की चाय सफेद, अपने कप में पहले की चाय मतलब अपने कप में दूध डाल के ला रखी और हम लोगों को ठगा रही लाल चाय में। ये देखो और अपनी सफेद चाय है देखो, है कि नहीं है? क्या कला दूध लेके मतलब ठुस दूध डाल दिया है ऐसे ऐसे है देखो। हाँ पर सब्जी बहुत टेस्टी हो रही है और मैं बैठ चुकी हूँ कढ़ाई में ही, बस जो मजा कढ़ाई में है वो किसी में नहीं है। क्यों और सिंपा भी ले धपा धप ले धपा धप खा रहे हैं। और आज कला मनोरमा मैं बैठ के जम के नाश्ता करेंगे कला के हाथ की टेस्टी टेस्टी सब्जी। ये है मीठा करेला, ककोड़ा भी बोलते हैं, मीठा करेला भी बोलते हैं, ककोड़ा भी बोलते हैं हमारे पहाड़ी डिश। फूलना गाँव से नाश्ता करने को सीधा कला के घर में, ठीक तो है नहीं है? ऐसा मौका बहुत कम मिलता है कि ऐसे साथ बैठ के सब लोग खाएं। देखिए मनोरमा भी हो चुकी है तैयार शादी में जाने की के लिए, हमको भी जाना था लेकिन किसी कारण से हम नहीं जा पा रहे हैं, तो मनोरमा जा रही है और मिलेंगे जल्दी। अब तू आना देहरादून, हाँ, बच्चे रखने आएगी ये तो तब मुलाकात होगी, तब दिखाएंगे आपको मनोरमा, ठीक है? ओके बाय बाय जा। देखिए दोस्तों जोशी मठ कितना सुंदर लग रहा है हमारे छत से। और जोशी मठ के मौसम की बात करें तो आज मौसम बिल्कुल सुहावना हो रखा है। सुबह के टाइम तो बिल्कुल बादल लगे हुए थे, ऐसा लग रहा था बारिश हो जाएगी, लेकिन अभी धूप लगी हुई है और धूप में बैठो तो उतनी ठंड नहीं हो रही है। और सामने पे देख सकते हैं आप हाथी पहाड़, और चारों तरफ से पहाड़ी पहाड़ हैं, और पहाड़ के बीचों बीच में सुंदर सा गांव नरसिंह मंदिर, ये देखिए। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों की ओर है ठंडा, मुझे तो बहुत ठंड है, इस बार नहीं है, इस बार बारिश तो इतने भी पे मेरी कमर दर्द हो रही है दोस्तों ठंड से, और इन लोगों को ठंडा नहीं लग रहा, हमको तो नहीं लग रही है इस बार, इस बार ठंडा नहीं लग रहा है। और ये हमारा गुल्लू मुल्लू, और दिन के खाने की तैयारी हमारी हो चुकी है, और खाने में बना हुआ है मेरा फेवरेट, और कला जो बहुत अच्छा बनाती है कड़ी भात। हेलो वो कड़ी भात खाने आओ, कड़ी भात खाने और उसके साथ हरी भुज्जी। हाँ बिल्कुल, देखिए कड़ी भात और हरी भुज्जी, बिल्कुल सही कहा आपने, वही बना हुआ है हमारा लड्डू। लड्डू हाय तो कर दे बेटा। ये है अर्पित, हाय आयांश भाई, अब मैं इसीलिए तो लड्डू जलेबी में, ये है लड्डू और ये है जलेबी। और वहाँ तुम देखते थे करण अर्जुन, यहाँ जब भी मेरा ब्लॉग देखोगे तो यहाँ देखोगे लड्डू और जलेबी। और मेरे लड्डू जलेबी के लिए जरूर कमेंट लिखना कैसे है मेरे लड्डू जलेबी, ये देखो। और बैठ चुके हैं हम खाना खाने के लिए, सिंपा भी आ चुके हैं अभी अभी, और खाना खाने में लेट हो गए, 3:15 हो गई है। खा लेते हैं कड़ी भात और हरी भुज्जी। हाय 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 रे कड़ी, एक बार करते वाली खिची, हाय रे कर यार, नमुझ बात नहीं है बल कर तू पहले वो वाला, हाय रे कर यार। कला और पूजा, भाई पूजा और अमिता पूजा करती ना, कुछ भी बात आती है तो पूजा बोलती है आह कला का हाय रे आहरे आहरे कड़ी बात।
चलो स्टार्ट, चलो भाई स्टार्ट करो, भोजन मंत्र बोलो सिंबा। वही तो वो जमाना गया जब बच्चे भोजन मंत्र करते थे, अब लोग तो फोन मंत्र कर रहे हैं और तब खाना ग्रहण कर रहे हैं। इन दोनों ने खा दिया, तुम दोनों ने खा दिया, और क्या खा रहा तू? चलो ठीक है, हम खा लेते हैं फिर खाना। और ये लग चुकी है मेरी भी थाली, हाय रे गरम गरम है, हाथ जल गया था। और सपोड़ा पट करती हूँ, लास्ट में आप मुझे कढ़ाई में देखना, कढ़ाई में खाते हुए नजर आऊंगी। पहले इस कढ़ाई में खाऊंगी, फिर इस वाली कढ़ाई में खाऊंगी। और हो चुका है शाम का टाइम, और शाम का टाइम होता है चाय का टाइम। तो अब कला बना रही है आलू के पकोड़े, गोभी के पकोड़े, ककोड़े के पकोड़े। हाँ बता रहे किस किस के? आलू, आलू गोभी और ककोड़ा। आलू गोभी और ककोड़े के पकोड़े है। आलू गोभी तो आप लोगों ने खाई होगी, लेकिन कभी ककोड़े के पकोड़े खाए? ककोड़े के पकोड़े नहीं खाए तो कला के यहाँ आना, कला के हाथ के क्या ककोड़े के पकोड़े ये है ककोड़ा, और ककोड़ा का भी बनता है पकोड़ा। तो हम आज खाएंगे ककोड़े का पकोड़ा, और यहाँ पे रख ली है गोभी बॉईल करके, ये है। और अभी यहाँ तले जा रहे हैं आलू के, और यहाँ रखी हुई है हमने चाय, और उसके बाद खाते हैं हम पकोड़े। ये देखिए पकौड़ी बनकर हो चुकी है तैयार, और ले चलते हैं पकौड़ी को बाहर। कला चाय ले आई? कला ले आई है चाय। और ये देखिए सिंपा कैसे बैठे हुए हैं, और अब पी लेते हैं हम, खा लेते हैं मतलब चाय और पकौड़े। तुम्हारे लिए क्या कॉफी है? पानी, कॉफी बनाई है पतिदेव के लिए, क्योंकि ये नहीं पीते हैं चाय और कॉफी पी लेते हैं। देखो स्टाइल इनके, तो मेरे को दे दो, नहीं पी रहे तो जरूरी भी नहीं है। ये पता है किस चीज का पकौड़ा है? किस चीज का? करेला। ककोड़ा का पकौड़ा है ये। खाया पहले कभी? मीठा करेला खाया पहले कभी? कला तो खिला रही, खा दिया, अच्छा लग रहा है। मैंने इससे पहले कभी नहीं खाया, पहली बार खाऊंगी मैं ये ककोड़ा का पकौड़ा। और ये देखिए ले आए हैं मैं और कला चाय, और ये हमारी ट्रे है, आप घबराना मत, बैडमिंटन ना समझना, ये है ट्रे, ट्रे में है कला और मेरी चाय, और ये रखे हैं पकोड़े। तो देखो दोस्तों हमने पकोड़े भी खा लिए, आप देख सकते हैं चाय पकोड़े प्लेट हो गई है खाली, और यहाँ पे बैठी है कला, और कला के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी खा ही रही हूँ पकोड़े खाने के लिए। तो दोस्तों जैसे आप लोगों ने सुबह से देखा होगा कि आज सुबह से हमने क्या क्या किया, क्या क्या तो क्या करना था, लेकिन सुबह से कला के यहाँ पड़े हुए हैं, नाश्ते से लेके दिन के खाने से लेके और चाय के पकोड़े तक हमारा वही तो सब कुछ हुआ, वो मैं हम लोगों ने आपको दिखाया। तो अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरे आज का ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट्स कीजिए, और जो कोई मेरे चैनल में नए जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ मैं आपको नए ब्लॉग में नई दिनचर्या के साथ नई चीजें लेकर के, तब तक के लिए जय बद्री विशाल।